नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, चैनल पर फर्स्ट बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बताया कि चैनल के द्वारा आपको रोजाना आंगनबाड़ी से संबंधित लेटेस्ट खबरों की अपडेट मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली वीडियो देख सकते हो आप इस न्यूज़ में मिलने वाली हैं कि आंगनबाड़ी वेतन बढ़ोतरी, नए साल 2020 का मिला है आंगनबाड़ी बहनों को तोहफा, अब होगी आंगनबाड़ी बहनों की बल्ले बल्ले। दोस्तों आप देख सकते हो मानदेय में हुई है बम्पर बढ़ोतरी, कार्यकर्ता 21,000 रुपये, सहायिका को मिलेगा अब 18,000 रुपये प्रति माह के रूप में मानदेय। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे प्री प्राइमरी स्कूल, और जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है सहायिका है वो अब प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के रूप में अब कार्य करेगी, और साथ ही मिलेगी पेंशन, चिकित्सा भत्ता, साथ ही DAB अब आंगनबाड़ी बहनों को कटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना को टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लीजिए पूरी अपडेट। नए साल 2020 का बड़ा तोहफा आंगनबाड़ी बहनों की होगी बल्ले बल्ले। अपडेट आप देख सकते हो, हमें जागरण ऑनलाइन न्यूज़पेपर है उसी के माध्यम से अपडेट मिली है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया DM कार्यालय कूच, सरकार के खिलाफ की है नारेबाजी। दोस्तों देहरादून से हमें अपडेट मिली है, इस आंगनबाड़ी बहनों द्वारा किया जा रहा है कार्यालय कूच में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसकी फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर आप देख सकते हो देहरादून से हमें मिली है कि मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर C2 से संबंध आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने DM कार्यालय कूच किया है। जिला प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और कार्यकर्ताओं को Grade 3 व सहायिकाओं को Grade 4 का दर्जा देने की मांग की गई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब आंगनबाड़ी बहनों को मिलेगा Grade 4 और Grade 3 का दर्जा, साथ ही मिलेगा सरकारी कर्मचारी घोषित। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने राजपुर रोड स्थित कार्यालय से DM कार्यालय कूच किया और कार्यकर्ताओं ने देश के हालातों पर जनगीत गाए और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। संगठन के जिला अध्यक्ष ज्योतिका पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे लंबे समय से अपने मानदेय बढ़ाने और स्मार्टफोन की अनिवार्यता को वापस लिए जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। रैली में यूनियन की प्रांतीय कार्यवाही अध्यक्ष जानकी चौहान, रंजनी गुलेरिया, लक्ष्मी पंत, चित्रा आशा, विष्णु शीला, सोमबाला उर्मिला, ज्योतिबाला, रेखा, कांता, हेमा, नीतू आदि अनेक जो आंगनबाड़ी बहनें थी वो इस रैली में सम्मिलित रही है। इसके अलावा यहाँ पर दे रखी उनकी प्रमुख मांगे आपको मैं बता देता हूँ, आप देख सकते हो कि ये है उनकी प्रमुख मांगे, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 21,000 रुपये और हेल्पर यानी कि सहायिकाओं को 18,000 रुपये मानदेय प्रति माह के रूप में मिलना चाहिए। और सेकंड जो इनकी मांग है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल लागू हो, साथ ही कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान का 500 रुपये और हेल्परों को 250 रुपये मिलने चाहिए, और ग्रीष्म और शीतकालीन अवकाश और सरकारी बैठकों में आने जाने का खर्चा यानी कि दोस्तों DA यानी कि यात्रा भत्ता भी अब मिलना चाहिए, और साथ ही शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश भी अब सरकारी स्कूलों की तरह ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी मिलेंगे। कार्यकर्ताओं की बालिकाओं को गोरा कन्या योजना का लाभ मिले, यानी कि दोस्तों जो कार्यकर्ता है उनकी बालिकाओं को गोरा कन्या योजना का लाभ मिलना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर दे रखा CM आवाज कूच, कल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संगठन का धरना परेड ग्राउंड में जारी रहा और भारी संख्या में विरोध जताने पहुंची कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की है। संगठन की प्रदेश महामंत्री सुमति थपलियाल ने कहा कि मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा, और इसके अलावा उन्होंने अगली डेट भी दी है, साथ ही अगले दिन कौन कौन आएंगे उनके भी नाम लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी अपडेट कि आंगनबाड़ी बहनों की बल्ले बल्ले, आंगनबाड़ी वेतन बढ़ोतरी, नए साल 2020 का तोहफा, कार्यकर्ता 21 सहायिकाएं 18,000 रुपये मानदेय। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी अपडेट। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अंत में फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती टाइम निकाला। भगवान करे आपका दिन बहुत ही बहुत शुभ हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।